आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा अपडेटेड डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। डेटा में बताया गया है कि किस पार्टी ने किस कंपनी या व्यक्ति से कितना पैसा भुनाया है। हालांकि अधिकांश पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए हैं। कुछ दलों ने अजब गजब दावे भी कर दिए हैं। आज इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम, मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जारी किए गए चुनावी बॉन्ड के डेटा में क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आज यानी सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने ये कहा है कि 21 मार्च तक सभी जानकारियों का खुलासा किया जाए, यानी अब 3 दिन के अंदर यह भी साफ साफ हो जाएगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दलों के पास भी अब डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दरअसल SBI ने हाल ही में चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद राजनीतिक दलों ने भी डेटा को अपना विवरण सौंपा है। ECI ने यह डेटा सार्वजनिक कर दिया है। कई दलों ने यह बताया है कि उसे किसने कितना चंदा दिया है, लेकिन अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए हैं। फिलहाल 3 दिन के अंदर अगर राजनीतिक दलों की तरफ से चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए जाते हैं तो SBI की तरफ से खुलासा कर दिया जाएगा। यानी साफ है कि राजनीतिक दलों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने के। एक और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल नामों का खुलासा करें, तो दूसरी ओर कुछ पार्टियां ऐसी बातें कह रही हैं जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं JDU की। JDU ने बताया है कि पार्टी दफ्तर में एक बंद लिफाफा उनको मिला जिसमें 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड थे जिसे कोई छोड़ गया था। वो कौन था हम उसे नहीं जानते। बता दें कि JDU को कुल 24 करोड़ रुपए से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड मिले थे, लेकिन हिसाब वो 10 करोड़ का ही दे पाए, वो भी यह कहकर कि कोई आया था और दरवाजे पर छोड़ गया। खैर हंसी मत। कुछ ऐसी ही अजब गजब कहानी समाजवादी पार्टी ने भी सुनाई। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि उसे बाई पोस्ट यानी डाक के जरिए 10 करोड़ के बॉन्ड मिले, लेकिन किसने भेजे ये हमको पता नहीं है। चलिए बंगाल की कहानी आपको सुना देते हैं। TMC ने भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई। TMC का कहना है कि दानदाताओं की पहचान विशिष्ट संख्या में चुनावी बॉन्ड की मदद से स्थापित की जा सकती है जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए थे। वहीं ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी BJD को 944.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला। खुलासा ये भी हुआ है कि तमिलनाडु में DMK को कुल चंदे के 77% बॉन्ड एक ही कंपनी से मिले हैं। DMK को फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने दिए 509 करोड़ रुपए। चुनाव आयोग ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, इस लिस्ट में जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया था वो फ्यूचर गेमिंग कंपनी ही थी। हालांकि उस समय यह पता नहीं चल पाया था कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है, लेकिन ऐसे ही रविवार को चुनाव आयोग ने जैसे ही जानकारी अपनी साझा की तो ये पता चला कि इस कंपनी ने सबसे ज्यादा चंदा TMK को दिया है। चलिए फ्यूचर गेमिंग कंपनी के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ का चंदा दिया। ये कंपनी एक लॉटरी कंपनी है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1991 में हुई थी, यानी कंपनी पुरानी है। कंपनी का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सेंटियागो मार्टिन कंपनी को चलाते हैं। मार्टिन को लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। मई 2023 में मार्टिन की 457 करोड़ रुपए की संपत्ति को ED ने अटैच किया था। लॉटरी किंग पर लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के उल्लंघन का आरोप लगा था। मार्टिन पर सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगा। इसके बाद कोयम्बटूर और चेन्नई में उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी के कई ठिकानों पर छापा पड़ा।
ईडी ने 22 जुलाई 2019 को अपने एक बयान में कहा, मार्टिन और उनकी सहयोगी कंपनियों और संस्थाओं ने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि तक लॉटरी टिकटों के दावे को बड़ा चढ़ाकर दिखाकर गैर कानूनी लाभ कमाया और इससे सिक्किम सरकार को 910 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केस की जांच 2019 में शुरू हुई। इसी साल जुलाई में कंपनी की 250 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। 2 अप्रैल 2022 को भी 409.92 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। फिर 15 मई 2023 को ईडी ने फिर से 457 करोड़ की अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया। एक बार अब तारीखों पर गौर कीजिए। 2 अप्रैल 2022 को 409.92 करोड़ की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के केस से अटैच किया गया। वहीं 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके अलावा 2019 से 2024 के बीच जब कंपनी लगातार ईडी के एक्शन झेल रही थी, तब भी उसने करीब 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। यानी एक तरफ ईडी का एक्शन, दूसरी तरफ बॉन्ड की खरीदी। आपको बता दें कि जब तक चुनाव आयोग की तरफ से ये डेटा जारी नहीं किया गया था, तो बीजेपी पर कई आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने कई बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर चंदा लिया था। लेकिन असली तस्वीर तो इसके उलट है। एक और उदाहरण आपको देते हैं। जनता दल सेक्युलर को 89.75 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले। इसमें 50 करोड़ रुपए मेघा इंजीनियरिंग कंपनी ने दिए थे। बता दें कि चुनावी बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार मेघा इंजीनियरिंग कंपनी ही है। खैर, अभी विस्तार से अध्ययन किया जाएगा तो गुप्त दान की ना जाने कितनी कहानियां निकलकर सामने आ जाएंगी। चलिए अब आपको बताते हैं रविवार जारी किए गए चुनावी बॉन्ड के डेटा में क्या था। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा अपडेटेड डेटा अपनी वेबसाइट पर रविवार को अपलोड किया था। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड की जानकारी भी शामिल है। डेटा के मुताबिक बीजेपी ने कुल 6,986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी को 1,397 करोड़, कांग्रेस को 1,334 करोड़ और बीआरएस को 1,322 करोड़ का चंदा मिला है। एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को करीब 656 करोड़ रुपए मिले हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।